अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे किचन में बन रहा है, सर्दियों की सौगात है ये भी, मूली की सब्ज़ी। मूली की सब्ज़ी किसको नहीं पसंद होती, बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही गर्मा गर्म। ये रेसिपी ऐसी है कि आप गर्मा गर्म सर्दियों में ये भुजिया ट्राई करेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर मैंने मूली को इसके पत्तों समेत काट लिया था और अच्छी तरह से दो तीन वॉश के बाद मैं इसको पानी भर के रख दूंगी बॉयल होने के लिए। दो तीन बॉयल आ जाएंगे इसके अंदर तो मैं इसको क्या करूंगी, इसका पानी स्ट्रेन करके इसको ठंडा करके बिल्कुल हाथों की मदद से आपको इसको निचोड़ लेना है। कुछ कुछ लोग इसको पीस भी लेते हैं सिल के ऊपर, लेकिन बिल्कुल पीसी भी ना बहुत थोड़ी सी हो जाती है। और इसी के साथ साथ मैं इसमें क्या शामिल करूँगी कि इस चटनी बनानी है आपको, लहसुन, हरी मिर्चे और लाल मिर्चे, नमक डाल के इसके चटनी पीस लें अच्छी तरह से। वो आपको क्या करना है, ऑयल के अंदर आपको ये चटनी जो मैं बना रही हूँ ना लहसुन की, इसको अच्छी तरह से भूनना है। भूनने के बाद हम अपनी सब्ज़ी इसको इसके अंदर ऐड करेंगे और मेक श्योर इसके अंदर ऑयल जो है ना बहुत अच्छी क्वांटिटी में जाता है। सब्ज़ी में ऑयल ज़्यादा डलेगा, ऑयल डालने के बाद आपको ये सारी जो चटनी है ना इसमें, क्योंकि लाल मिर्चे मैंने कम डाली थी, अगर आप लोग लाल मिर्चे इसमें सही डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक तो ये बिल्कुल अच्छा रेड 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 सा कलर आएगा। यहाँ पर भूनते जाएं आप अपनी कसते जाएं, जैसे हम कसते हैं किसी भी सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं और इतनी मज़ेदार सी खुशबू निकलेगी ना जब आप इसको भूनेंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।